वेलकम टू माई चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी। आज मैं आपको स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी और फेशियल ग्लो कैसे मेंटेन कर सकते हैं उससे रिलेटेड भी बताऊंगी। सो लेट्स सी। देखिए, स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें पिंपल से रिलेटेड डेली जो हम स्किन से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ऑयली खाने से बॉडी में हीट ज्यादा होने से जो हो जाता है उसका एक वीडियो मैं पहले स्किन डिजीज पर बना चुकी हूँ, पिंपल्स वगैरह से रिलेटेड एक्जिमा पे भी है, वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो ये मेरा डिफरेंट वीडियो है। सो लेट्स सी। देखिए, स्किन प्रॉब्लम एंड फेशियल ग्लो, पहले तो ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सिंपल, इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे, तो इससे जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं किसी भी टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होती हैं। एक तो देखिए रिंगवर्म जो हो जाता है, एक्जिमा, बॉयल्स, एक्ने, इचिंग ऑफ स्किन, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जब टॉक्सिन्स बॉडी में हमारे जो है बहुत सारे हो जाते हैं तो उससे क्या होता है स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। स्किन प्रॉब्लम्स के जो मेन रीजन है एक तो बॉडी में हीट ज्यादा हो जाना और बॉडी में जब टॉक्सिन्स हो जाते हैं तो किसी ना किसी फॉर्म में वो स्किन डिजीज जैसे जो है अपियर हो जाते हैं स्किन पर, राइट। तो जो हमारा जो ये अभी मैंने आपको जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैं जो बताने जा रही हूं उससे क्या होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है तो ऑब्वियसली स्किन डिजीज क्योर हो जाती है, स्किन डिजीज होती ही नहीं है। और ब्लड सर्कुलेशन होता है जिससे बॉडी स्किन पर जो है हमारा स्किन बहुत ही क्लियर और फेशियल ग्लो मेंटेन होता है। और क्या होता है हमारा सॉफ्टनेस ऑफ स्किन और हमारा जो ड्राई स्किन है रफ स्किन है ये भी क्योर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लड सर्कुलेशन होता है, इससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी ठीक होती है तो फेशियल ग्लो हमारा मेंटेन रहता है और ये एंटी एजिंग भी है, राइट। सो लेट्स सी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो है इसमें हम क्या करेंगे। जैसे मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ हमारा ये हमारा जो हैंड में जो है फिंगर पोजिशन से ही क्रिएट होगा एक्यूप्रेशर, हम उसी तरह से लाइट प्रेशर देंगे। सो इसमें क्या है कि देखिए हार्ट मेरिडियन के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट आते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी विद हैंड। इसमें ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है, ये दोनों जो है एक ही में आते हैं बाय फिंगर टिप। हम क्या करेंगे, हम थंब और लिटल फिंगर के जो टिप्स हैं उस पर लाइट प्रेशर देंगे, राइट। अब ये एक और है, इसमें थोरैसिस वर्टेब्रे है 11, हमारे जो स्पाइन जो है बैक स्पाइनल कॉलम में जो हमारे वर्टेब्रे हैं उसमें जो थोरैसिस का 11 नंबर स्पाइनल सेगमेंट नर्व पॉइंट लिया है मैंने। देन ईयर लोब रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर पॉइंट, इसको मैंने इसलिए लिया है ये जो है हमारा जो फेशियल ग्लो है। देखिए मैंने ईयर एक्यूप्रेशर पॉइंट पहले भी आपको बताया है एक वीडियो में, बहुत मिरेकुलस है ये। तो फेशियल ग्लो के लिए हम जितना क्लोज मिलेंगे सबसे इफेक्टिव इसका है हमारा ईयर लोब रिफ्लेक्स पॉइंट टू मेंटेन एंटी एजिंग। आपका जो है रिंकल्स को आपका क्योर करता है, मतलब आपकी बॉडी में रिंकल्स पहले तो होने ही नहीं देता, किसी भी रीजन से टेंशन से हो जाते हैं तो उसको भी ठीक करता है, राइट। सो ईयर लोब रिफ्लेक्स पॉइंट मैंने लिया है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कैसे बनाएंगे हम, बाय जो हमारा हेड सॉरी हार्ट मेरिडियन एंड ब्रेन रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को कवर करता है, इसमें हम देखते हैं बाय प्रेसिंग टिप ऑफ थंब एंड लिटिल फिंगर। देखिए ये है थंब, ये लिटिल फिंगर, हमको क्या करना है सिंपली इन दोनों का जो टिप है ऊपर टॉप पोर्शन ऑफ थंब एंड टॉप पोर्शन ऑफ लिटिल फिंगर इनको ज्वाइन कर दीजिए। कैसे, पहले देखिए ठीक से ज्वाइन करना है। यहां पर मैंने कहा है टॉप ये और इसका ये अपर पार्ट ऑफ थंब एंड लिटिल फिंगर सी, इनको हमने टच कर दिया। पहले तो ये पोजीशन बनानी है और इस पर ही हमको लाइट प्रेशर लगाना है, बाकी जो फिंगर्स है इनको स्ट्रेट रखना है, राइट। कैसे किया मैंने, ध्यान से देखिए, अगर ये पोजीशन सही नहीं बनेगी कोई असर नहीं होगा। इसका अपर पोर्शन थंब का अपर, ये टॉप पोर्शन, इसका भी अपर पोर्शन, इनको हम टच करेंगे ऐसे, इधर ही प्रेशर लगाना है, बाकी थ्री फिंगर्स को हम स्ट्रेट रखेंगे ये दोनों हैंड्स में। यहां पर भी हम इसको टच करेंगे और फिंगर्स को ऐसे रखेंगे। अब हमें क्या करना है, जस्ट
ये जो हमने दोनों को ज्वाइन किया है यहीं पर हमको क्या करना है, माइल्ड प्रेशर लगाना है, लिटिल लाइट सा प्रेशर आपको लगाना है, बहुत दबाना नहीं है, लाइट प्रेशर लगाना है, बस आपको फील होना चाहिए आप प्रेस कर रहे हैं, राइट। इसको ऐसे कर लीजिए और आप इस तरह से ओनली 5 मिनट एनी टाइम आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस में है, कहीं पर भी है, इस तरह से आप देखिए बस क्या करना है आपको, ये दोनों ज्वाइन करने हैं, माइल्ड प्रेशर लगाना है, लाइट प्रेशर, और ये तीनों फिंगर्स स्ट्रेट होनी चाहिए और आप इसको ऐसे कर लेंगे ओनली फॉर 5 मिनट्स, राइट। ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव है, ये हमारे जो प्रॉपर मतलब एक बताएंगे कि हमारी बॉडी में जितना जरूरी ब्लड होता है, तो बस आप ये समझ लीजिए हमारा ब्लड के सारे फंक्शंस जो हमारा बॉडी में करता है, ब्लड क्या करता है हमारी बॉडी में, ये देखिए सब चीज मेंटेन, ये वाटर लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन करता है, उसी के रीजन से बहुत सारी डिजीज होती है। अगर आपको वाटर प्रॉब्लम हो जाती है, इससे क्या होता है, स्किन आपका अगर स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाएगा, रफ हो जाएगा, उस पर रिंकल्स आ जाएंगे, और अगर ब्लड लेवल आपका सही नहीं है, ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, सो मेनी डिजीज वही रीजन होते हैं। इसलिए क्या होता है, सभी को जो कुछ भी प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड होती है मैक्सिमम इसी रीजन से होती है। ये बहुत ही इफेक्टिव, मैं आपको पर्सनली भी कह रही हूं कि इसको रेगुलर कीजिए, और जिसको स्किन प्रॉब्लम रहती है या ब्लड से रिलेटेड कोई भी इम्प्यूरिटी है, देखिए जब फेस पर या कहीं पर बॉडी पे बहुत सारे आपको बॉयल्स हो जाते हैं, इचिंग प्रॉब्लम, इस तरह का कुछ भी एनी सीजन कभी भी रेगुलर रहता है, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं जाकर यहीं पर स्टॉप होता है, क्योंकि ये जो स्टॉप जो हो रहा है, ये स्टार्टिंग और स्टॉप दोनों पॉइंट सेम है, क्योंकि ये जो है एक रीजन है हमारा ब्लड का, ये फर्स्ट मैंने यहां पर लिखा है, लेकिन ये ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में सिस्टमैटिक वे में करने में बहुत ही हेल्प करता है, सो इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। ये जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट है, आपको इसको रेगुलर करना चाहिए टू स्टे हेल्दी, राइट। अब देखिए ये थोरेसिस, ये जो तीनों पॉइंट है, इसमें ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये सिर्फ स्किन डिजीज और ये ग्लो के लिए ही नहीं है, आपको हेल्दी रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना कोई नहीं रह सकता, ये वाटर लेवल को मेंटेन करता है, और वाटर से क्या होता है, लिक्विड फॉर्म से ही हमारा ब्लड बनता है, राइट। तो देखते हैं सेकेंड है थोरेसिस वर्टिब्रे। देखिए मैंने एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा अगर बैक स्पाइन इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बॉडी में हजार प्रॉब्लम आ जाती है, और रीजन कुछ भी पता नहीं चलता, कभी लिवर में है, कभी गॉल ब्लैडर में है, कभी लंग्स में है, कभी हार्ट में है, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखिए अगर स्पाइन आप ठीक रखेंगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम ऐसी ठीक हो जाएंगी। सो मैंने लिया थोरेसिस वर्टिब्रे फ्रॉम स्पाइनल सेगमेंट नर्व, राइट। तो हमारा जो स्पाइन कॉलम है बैक में, उसका मैंने थोरेसिस लिया है, उसका नंबर है थोरेसिस वर्टिब्रे 11 नंबर, राइट। सो मैं आपको एक पिक्चर शो कर रही हूं, हियर ये है हमारा स्पाइन, देखिए ये स्पाइन है हमारा, ठीक है। अब इस स्पाइन में जब प्रॉब्लम आती है, यहां से देखिए मैं एक पिक्चर जो आपको शो कर रही हूं, इसको ध्यान से देखना, नर्व्स है, ये नर्व्स जा रही हैं आगे, ये हमारे बॉडी पार्ट आपको दिख रहा होगा, लंग्स, हार्ट, राइट, लिवर वगैरह, गॉल ब्लैडर, सारे ये नर्व्स यहां से ही, देखिए बैक जो हमारा कहते हैं ना, एक बैक में गड़बड़ है ना अगर, तो सर आगे कभी भी मतलब फ्रंट पार्ट अफेक्ट डेफिनेटली होगा, यही नर्व्स जाती है, राइट। तो अभी मैंने आपको जो बताया थोरेसिस 11 मैंने मार्क किया थोड़ा सा डार्क आपको दिखाने के लिए, इसकी पोजिशन कैसे है, देखिए ये देखिए ब्रॉड पोर्शन है, जब हमारी वेस्ट स्टार्ट होती है तो हल्का सा अंदर को डीप पोर्शन है, राइट, डीप ये वेस्ट का, तो इसकी लोकेशन कहाँ है, हमारा जो वेस्ट स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं ऊपर वाला अपर वेस्ट, ये लोअर वेस्ट है, तो अपर वेस्ट जहां से वेस्ट स्टार्ट ही होती है, ऐसे डीप पोर्शन शेप पोर्शन जब स्टार्ट ही होता है हमारा, तो बस उसको आप 1 इंच अबव लेंगे, हमारा जो वेस्ट डीप पोर्शन ऐसे जब शेप स्टार्ट होती है, जस्ट जहां से शेप स्टार्ट होती है, जस्ट 1 फिंगर ऊपर लेंगे आप,
तो आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। यहां से आप देख भी लीजिए, देखिए ये है, यहीं से देखिए फिर नीचे से स्टार्ट हो रही है हमारी शेप ऑफ पेस्ट, राइट। तो ये हमारी लोकेशन है थोरेसिस 11, ये ध्यान से देख लीजिए इसको, ब्रॉड पोर्शन जहां पर एंड हो रहा है, जस्ट वहां से हमारी वेस्ट, ये डीप पोर्शन स्टार्ट हो रहा है उससे वन फिंगर विड्थ, मतलब यहां जहां एंड हो रहा है ये ब्रॉड, बस यहीं से थोरेसिस 11। अब इसकी जो नर्व्स जा रही हैं, देखिए यहां से लीवर, गॉल ब्लेडर वगैरह सारे पॉइंट्स हैं। तो इसको प्रेस कैसे करेंगे, मैं आपको एक पिक्चर में दिखा रही हूं कैसे प्रेस करेंगे। देखिए देखिए, अब बैक में लगाना है, कैसे लगाएंगे देखिए, मैं यहां से आपको शो करती हूं। देखिए, क्योंकि जो थंब है ना पीछे, मैं आपको बोलूं कि वेस्ट पर हाथ रख के खड़े हो तो आप कैसे खड़े हो गए, ये पोर्शन आपका वेस्ट पर आएगा, कैसे आएगा ये देखिए, जैसे मैं इधर से इसलिए शो कर रही हूं, आप ऐसे वेस्ट पर हाथ रख के खड़े हो जाएंगे तो देखिए ये जो है, पहले तो मैं आपको शो कर रही हूं ये लाइन, वही है ये नर्व्स है, ये लाइंस मैंने लाइंस में शो किया, बट दीज आर नर्व्स, राइट। सी हियर, दीज आर नर्व्स थोरेसिस 11, राइट। ये है ब्रॉड पोर्शन, फिर यहां से मैंने बताया ये डीप, यहां से वेस्ट स्टार्ट हो रही है उससे जस्ट ऊपर, ब्रॉड के बाद एकदम से आएगा ये पॉइंट थोरेसिस 11, ये नर्व्स है, राइट। इन पर हमको प्रेशर देना है दो बोथ साइड। यहां से हम कैसे करेंगे, यहां से देखिए, मैंने कहा वेस्ट पर ऐसे रखेंगे हाथ तो थंब आपका आएगा वेस्ट के ऊपर, जस्ट वेस्ट से ऊपर जाना है। इसको आपको कैसे, ऐसे ऐसे अपवर्ड, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे अपवर्ड, देन यू कैन डू डाउनवर्ड आल्सो, डाउनवर्ड भी आप कर सकते हैं, राइट। अपवर्ड ऐसे ऐसे करेंगे आप, ये जो लाइन्स है इनको कवर करेंगे, आपको इसको प्रेस करना है, प्रेस करना है, स्लोली प्रेस करना है आपको, एकदम से दबा कर नहीं रखना है, कैसे, ऐसे प्रेस करना है, ऐसे ऐसे आपको प्रेस करना है, देन कम डाउन इस तरीके से। और आपका जो मैं बता रही हूं, अब ये हाथ कहां जा रहे हैं, हाथ फ्रंट में कहीं आएंगे तो जहां भी आपको आएंगे वहां भी प्रेशर लगाइए, क्योंकि वो ही नर्व्स फ्रंट में जा रही है ना उधर से ही, तो ये पार्ट भी आपका जो होगा, तो यहां पर आपके क्या है, लीवर, गॉल ब्लेडर, स्टमक, एब्डोमिनल पोर्शन जो है वो भी ठीक होगा, कोई भी एब्डोमिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, ये ऐसे ही नहीं है, मैं आपको बताने के लिए बहुत स्मॉल ऐसे ही कुछ भी लेके पॉइंट्स बता सकती, क्योंकि स्किन डिजीज के ना सो मेनी रीजंस होते हैं, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, एक्जिमा पे बनाया है, तो मैं कोई भी पॉइंट लेकर आपको बता सकती थी, ये मैं डीप बता रही हूं, मेरे वीडियो लाइटली मत लेना, क्योंकि इसके और मैंने बहुत एनर्जी लगाई है आपको बताने के लिए। सो सी हियर, तो आपको क्या है, यहां पर इस तरह से लगाएंगे अपवर्ड, देन यू कैन कम डाउनवर्ड्स, या इस तरीके से। और आपको पेन डेफिनेटली फील होगा, खासकर जिनको फ्रंट में कभी कभी स्टमक से रिलेटेड कुछ भी ऐसा लगता है, तो पेन जो होगा उसे डरने की कोई बात नहीं है, ये पेन नर्व्स में रॉन्ग पोस्चर से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो उससे हो सकता है। तो आप जब रेगुलर लगाएंगे यहां पर इस तरह से, जब आप रेगुलर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाने का देखिए प्रेस करना है ऐसे ऐसे, इस तरह से आपको 2 मिनट लगाना है, ओनली फॉर 2 मिनट, राइट। मैक्सिमम 3 मिनट लगा सकते हैं, मैं सजेस्ट कर रही हूं 2 मिनट, और ये आपको मीडियम लेवल लगाना है, बहुत गड़ाकर नहीं लगाना है। तो जो आप प्रेशर इस तरीके से लगाएंगे, देखिए जो आप प्रेशर इस तरीके से लगाएंगे, इट इज फॉर 2 मिनट, अपवर्ड मेनली अपवर्ड लगाएंगे, डाउनवर्ड भी कर सकते हैं आप, राइट। इस तरीके से 2 मिनट आप कवर करेंगे, और आप इसके बाद देखना एकदम मिरेकल जैसा होता है। एक चीज मैं आपको और बोलूंगी कि मैंने जो पहले वीडियोस बनाए हैं, मैं नॉर्मल प्रॉब्लम को लेकर चलती हूँ, पर किसी किसी को सीरियस इश्यूज होते हैं तो वो कभी ऐसा करते हैं तो उनका क्योर नहीं भी होता होगा, या बहुत हल्का सा असर रहता होगा, तो उनको इतना इफेक्टिव नहीं लगता होगा, तो मतलब उनकी सीरियस प्रॉब्लम है रिलेटेड टू स्पाइन। अगर आपके स्पाइन में प्रॉब्लम है पॉस्चर से रिलेटेड, या आप देखिए आजकल टीवी, लैपटॉप, फोन पर लगे रहते हैं, जैसे पॉस्चर का ध्यान नहीं रखते, आपका वर्क ऐसा है, सिटिंग पोजिशन है, तो आपका बैक अफेक्ट कर सकता है, झुक कर बैठ गए टेबल पर, तो उससे क्या है कि स्टमक इश्यूज, हार्ट इश्यूज, चेस्ट पेन, ये सब हो सकता है।
मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स बताऊंगी दोबारा से। जो मेरे वीडियोस हैं वो नॉर्मल लेवल के लिए हैं, कुछ कुछ मैंने मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स के लिए भी बनाया है, और किसी को बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो क्योर हो ही नहीं रही है तो उसके लिए मैं जो स्पाइन के प्रॉब्लम्स के लिए, स्पाइन के जो नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर बताऊंगी वो बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट बताऊंगी। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इससे रिलेटेड। इससे पहले भी मैंने सिटिंग के लिए कॉसेक्स और सैक्रम से रिलेटेड बताया था, वो भी बहुत इफेक्टिव है, एक वीडियो पहले बना चुकी हूं मैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ईयर लोब रिफ्लेक्स पॉइंट। ये मैंने इसलिए लिया है, देखिए फेशियल से रिलेटेड है हमारा। ईयर लोब क्या है ये देखिए, ये हमारा ईयर लोब होता है, ये वाला पोर्शन, सी हियर, दिस इज द ईयर लोब, राइट। प्रेशर आपको लगाना है जस्ट मीडियम, यू कैन, मतलब डीप नहीं लगाना है, बस लाइट प्रेशर लगाना है इसको इस तरीके से, और बैकवर्ड प्रेस करते हुए पीछे की तरफ ले जाकर छोड़ना है। कैसे, ये जो मैं तरीका बता रही हूं ये राइट वे है, इसको देखना, यहां से पहले मैं शो करती हूं। ऐसे आपने पकड़ा, बैकवर्ड में जाके ऐसे छोड़ना है इसको, प्रेस करते हुए स्टार्टिंग से प्रेशर लगा के ऐसे छोड़ना है, बोथ साइड प्रेस करते हुए पीछे को छोड़ना है। आपको करना है 20 टाइम्स, राइट, इन से रिलेटेड या कोई भी इस तरह का, सो यू कैन इजिली क्योर दैट, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, टेक केयर।